तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाहर से जो आने वाले भक्त को भोजन एवं रुकने की व्यवस्था को स्वयं को करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप। और ये है गदादाहरी महाराज बागेश्वर धाम, और कथा 17 से 23 तक है दोपहर 1 से 4, और दिव्य दरबार 20 और 21 समय 9 से 11 है दोस्तों। और कथा स्थल है श्री हनुमान मंदिर श्रीनगर गुड़ियारी, और यह है कार्यालय। तो दोस्तों नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ बागेश्वर धाम, जो कि दही हांडी मैदान पे होने वाला है श्री राम कथा। और अभी मैं हूँ स्टेशन के पास में, और यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर है दोस्तों दही हांडी मैदान, और वहाँ होने वाला है श्री राम कथा। और उस राम कथा को महाराज हिरेन कृष्ण शास्त्री के मुखार बिंदु से होगा। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग पे बने रहिए। तो दोस्तों आप श्री राम कथा सुनने आते हैं दही हांडी मैदान गुड़ियारी में, तो इससे पहले ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, और बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो ज़रूर देखें इस वीडियो को, और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो बने रहे ब्लॉग पे, और चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम। तो दोस्तों मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग व्यूवर्स लोग पूछे थे कि राम दरबार कथा कहाँ पे होगा, तो ये देखिए इसका डिटेल है दोस्तों। श्री राम कथा दिव्य दरबार 20 और 21 को रहेगा सुबह 9 से 11 बजे तक, और 17 तारीख से 23 जनवरी तक रहेगा। और कथा स्थल है हनुमान मंदिर मैदान गुड़ियारी, और यही रास्ता से हमें जाना है दोस्तों, यहीं से लगेगा दिव्य दरबार। मैं पहुंच गया हूँ दही हांडी मैदान जहाँ श्री राम कथा होने वाला है, और चलिए अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर की तैयारी। आप बने रहे दोस्तों ब्लॉग पे। अब ये देखिए दोस्तों पंडाल पूरी तरह सज गया है, मतलब 95% काम हो चुका है, कल तक से हो जाएगा पंडाल का काम। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिव्य दरबार बागेश्वर धाम का। तो चलिए अंदर आप। तो ये देखिए दोस्तों व्यासपीठ का काम 95% हो चुका है, और बहुत ही जोर से तैयारी चल रही है बागेश्वर धाम सरकार। और वो देखिए दिव्य गदा जो ऊपर रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लुक दिया गया है दोस्तों, ये देखिए। और आप देख लीजिए जब महाराज जाएंगे तो यहाँ पे तो आना नहीं मिल पाएगा हमें, तो आप यहीं से दर्शन कर लीजिए व्यासपीठ का, बहुत ही बेहतरीन सजा हुआ है बालाजी सर का। तो दोस्तों ये डोम बस बचा है फिनिशिंग होने में, बाकी 3 जो डोम है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं, और आज भी ये कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कर्मचारी लोग बेचारे लोग, और दिन रात एक कर रहे हैं, और प्रसाधन तो कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो गया है बनके। दोस्तों यहाँ पे मुख्यतः 4 पंडाल है, और जो मुख्य पंडाल है काफ़ी बड़ा है दोस्तों, और एक पंडाल तो कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, और जो लास्ट जो दीवार साइड है वो उसका काम चल रहा है तेज़ी से, मतलब 1, 2, 3, 4 पंडाल है, बहुत ही भव्य। जितने भी श्रद्धालु बाहर से आएंगे
उनको अपनी व्यवस्था स्वयं को करनी होगी या समिति द्वारा नहीं रहेगा दोस्तों। और रुकने की, भोजन की व्यवस्था खुद को वहन करना पड़ेगा, यहाँ समिति वाले नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।